What's up guys, this is Muhammad Tariq Shoaib and you are watching my YouTube channel NTS Vlogs. Let's begin. Subscribe करें हमारे YouTube channel को और bell icon जरूर दबाएं for latest update. Thank you. So friends, कल की रात काफ़ी stressful थी. मुझे शादी में जाना था दानापुर और मैं गया भी था. But कभी कभी आप जो चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो. आपको ऊपर वाले के हिसाब से चलना पड़ता है, ना कि ऊपर वाला आपके हिसाब से चलेगा. तो ये ज़िंदगी है, हमको इसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा. हुआ ये कि मैं कल सवेरे उठा और सो व्हाट्स अप पीपल, सुबह के 9 बज गए. आज थोड़ा लेट उठा हूँ मैं, क्योंकि आज मुझे ऑफिस नहीं जाना था. आज एक रिलेटिव के यहाँ शादी है, घर पर भी होमवर्क है काफ़ी सारा, ऑफिस से उसी को निपटाना है. तो चलिए बढ़िया. जल्दी सेव कर यार, और भी काम करने हैं. हाँ हाँ करता हूँ करता हूँ. तो कैसा दिया? तो ये है वो गिफ्ट जो हमारी तरफ से जा रहा है. वैसे तो मैं गिफ्ट वगैरह शादियों में नहीं, लिफाफ दे देना वो ज़्यादा हेल्प होती है थोड़ी अगर किसी शादी है. तो गिफ्ट जो है वो भी काम आने वाली चीज़ है. मेरे पापा ने लाया था इसे, तो मैंने इसे पैक कर दिया. मैंने खुद से डिज़ाइन बनाया है. क्रिएटिव बंदा हूँ यार. घर के सारे लोग शादी में जा चुके थे और मुझे नाश्ता खुद बनाना पड़ा. तो सब कोई निकल गए हैं शादी अटेंड करने, इसलिए नाश्ता मुझे खुद बनाना पड़ेगा. तो चलिए देखिए. मुझे मिला बटर, ब्रेड और मुझे मिला है मौसमी. हो गया सारा काम, कर लेती हूँ यहाँ पे लेडी ये सब काम. ऐसे मैं पहले खाना बनाया करता था जब मैं डेली में था, तो लेकिन अभी फिलहाल आदत छूट गई है. तो देखिए क्या बनाया है आपके भाई ने. ये है ब्रेड और ये जो अंडे जैसा दिख रहा है वो अंडा ही है, डिज़ाइन इसका चेंज हो चुका है. और ये है मेरा फूड. चलिए चलिए खाते हैं. इतने ही मैं मेरे तो देख सकते हैं हाल. तो चलिए जल्दी सब प्लेट ख़त्म करते हैं. बहुत बड़ा गड़बड़ हो चुका है. मैंने अंडे में नमक के बाद मैंने होमवर्क खत्म किया और शादी अटेंड करने तैयार होने लगा. इस स्टाइल में तैयार हुआ जाएगा. वॉच इट. कैसा दिया आपके भाई ने? चलिए मिलते हैं फिर. फिर मैं जैसे निकल ही रहा था कि अचानक मुझे एक कॉल आया. हेलो. हाँ हेलो. अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ जल्दी. जल्दी आ जाइए. अल्लाह हाफिज. फिर मैं वहाँ जल्दी से गया और देखा कि पापा की हालत काफी खराब है. उनको उल्टी रुक नहीं रहा था. मेरे रिलेटिव लोग उनको दानापुर हॉस्पिटल में भी ले गए, लेकिन उन्होंने प्रीफर कर दिया कि आप लोग PMCH ले जाएं और कुछ टेस्ट लिखें उसको करवाएं.
मैं काफ़ी घबरा गया था उनकी यह हालत देखकर, लेकिन फिर मैंने अपने आप को थोड़ा मोटिवेट किया। उसके बाद मैं वहाँ से उनको कैसे भी करके पटना लाया और यहाँ एक मेरे फैमिली डॉक्टर हैं उनके यहाँ ले गया। वहाँ फिर हमको पता चला कि उनको गैस का प्रॉब्लम हो गया था। फिर वहाँ से हम लोग उनको घर ले आए। डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन दिए थे जिसकी वजह से उनको नींद आने लगी। मैंने उन्हें उनके बेड पे सुला दिया। थोड़ी सी कमजोरी है लेकिन अब वो ठीक हैं। तो हमें हमारे फैमिली और पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, क्यों नहीं यार। बचपन से आज तक उन्होंने हमारा ख्याल रखा है, तो अब हमारी बारी उनका ख्याल रखने का। फैमिली ही सब कुछ होती है, क्योंकि सारे कर्म लोग उन्हीं के लिए तो करते हैं। सो टेक केयर योर फैमिली एंड यू टू, बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज। Bottles, popping bottles.